أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين السلام عليكم Welcome to my channel Learn English with Nida जी आज जो मैं आपके लिए ऐसे लेकर आई हूँ वो है एन इम्पॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। ऐसे का मतलब होता है मज़मून, एन इम्पॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज का मतलब होता है जी अंग्रेज़ी ज़ुबान की अहमियत। जी तो चलिए स्टार्ट करते हैं अल्लाह का नाम लेकर। अ लैंग्वेज इज़ अ टूल फॉर कन्वर्सेशन एंड कम्युनिकेशन अमंग पीपल। जी जो हमारी ज़ुबान है वो हथियार है दूसरों से बात करने के लिए। अगर हमने लोगों से बात करनी होती है या हमने लोगों को कुछ कहना होता है तो ये हमारे पास एक हथियार है, हम इससे दूसरे लोगों से बात कर सकते हैं। लैंग्वेज इज़ अ इफ़ेक्टिव सोर्स टू एक्सप्रेस वन फीलिंग। जो ज़बान है वो एक ऐसी चीज़ है जो कि हमारे अंदर जो जज्बात हैं उनको वो बयान करती है। एवरी लैंग्वेज हैज़ इट्स ओन इम्पॉर्टेंस बिकॉज इट इज़ यूज टू कम्युनिकेट। और हर ज़बान की अपनी अहमियत है क्योंकि हम इसे इस्तेमाल करते हैं जब भी हमने किसी से बात करनी होती है। एवरी लैंग्वेज इज़ अ सोर्स ऑफ लिटरेचर ऑल्सो। और हर ज़ुबान जो है वो एक अंग्रेज़ी अदब से भी के अंदर भी मौजूद है। इसके अंदर मैनी प्रोज राइटर्स एंड पोइट्स एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स बाई यूजिंग लैंग्वेज। और बहुत सारे जितने भी राइटर्स हैं यानी कि जो लिखने वाले हैं वो सब जो हैं उन्होंने अपनी उन्होंने ज़ुबान के ज़रिए जो है वो अपने जज्बात का जो है इजहार किया है। They express the situation of society in their prose or poetry। और उन्होंने अपनी जो क्या कह लें शायरी है उसमें उन्होंने माशरे की जितनी भी हालात हैं उसका उन्होंने जिक्र किया है। The English language becomes popular all over the world। और जो अंग्रेज़ी ज़ुबान है वो बहुत ही मशहूर है पूरी दुनिया में after the 18th century। और ये मकबूल हुई थी जी मशहूर हुई थी 18th century के बाद। Now the English language is spoken in many countries of the world। और अब जो अंग्रेज़ी ज़ुबान है वो बोली जाती है पूरी दुनिया में। और English as a subject is being taught in all the school, colleges and universities in Pakistan। और जो अंग्रेज़ी का जो मज़मून है वो पढ़ाया जाता है अब हर स्कूल में, हर कॉलेज में और हर यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान की। It shows that English is a popular subject। और ये एहसास दिलाती है या ये इजहार करती है कि जो इंग्लिश का सब्जेक्ट है या जो अंग्रेज़ी ज़ुबान है वो कितनी इम्पॉर्टेंट है, कितनी मशहूर है क्योंकि इसलिए कि इसको हर जगह पर पढ़ाया जाता है। द इम्पॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश कैन बी डिस्क्राइब बाय सेइंग दैट जो अंग्रेज़ी की जो अहमियत है उसके बारे में उसको हम ऐसे बयान कर सकते हैं। देर इज़ अ लॉट ऑफ ग्रेट थाट लिटरेचर एंड फिलोसफी आर अवेलेबल इन द इंग्लिश लैंग्वेज। अंग्रेज़ी ज़ुबान में जो है बहुत सारी सोचे हैं और इसके अलावा अदब भी है। आगे चलते हैं। द ग्रेट वर्क ऑफ थिंकर्स फिलोसफर्स पोइट्स एंड राइटर्स आर अवेलेबल। आर अवेलेबल इन द इंग्लिश लैंग्वेज। वन हु इज़ एबल टू रीड इंग्लिश कैन सर्च फॉर। जी जो बहुत सारे जो हमारे राइटर्स हैं जो हमारे शायर हैं वो इस जगह पर इसलिए मौजूद हैं क्योंकि उन्हें अंग्रेज़ी पढ़नी आती है और वो अंग्रेज़ी के बारे में तलाश कर सकते हैं। कोई भी अगर उन्हें चीज़ को सर्च करना हो या तलाश करना हो तो वो कर सकते हैं। ठीक है। द ओरिजिनल वर्क ऑफ पोइट्स फिलोसफर्स एंड थिंकर्स। ठीक है। द इंग्लिश लैंग्वेज हैज़ अ वास्ट लिटरेरी बैकग्राउंड। There is a work about scientific research, philosophy and metaphysics and also literary work about life is present in the English language। जो हमारी अंग्रेज़ी ज़ुबान है उसमें हर तरह की चीज़ मौजूद है और वो सबसे पहले जो चीज़ें मौजूद हैं वो है इसके अंदर अदब का जो अदब का बैकग्राउंड है मौजूद, उसके अलावा साइंसी तजुर्बात भी हैं इसके अंदर मौजूद, इसके अंदर जो है वो अस्तआरा भी मौजूद है और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं। The English language is considered an international language and everyone can express his feelings in the English language to communicate with others। और जो अंग्रेज़ी ज़बान है वो उसको तसव्वुर किया जाता है कि वो जो लैंग्वेज है या जो वो ज़ुबान है वो बाहर की ज़ुबान है और इसे सब लोग बोलते हैं फीलिंग और इससे सब लोग इसलिए बोलते हैं ताकि वो अपने जो जज्बात है उनका इजहार कर सकें दूसरों से। The English language is producing a great effect on the nation of the world। और जो अंग्रेज़ी ज़ुबान है वो
दूसरे जो ममालिक हैं या जो पूरी दुनिया में जितनी भी ममालिक हैं उन पर बहुत ज़्यादा अच्छा असर डालती है। एवरी वन हु मेक्स एफर्ट कैन लर्न द इंग्लिश लैंग्वेज एंड कैन रीड एंड राइट। और अगर कोई कोशिश करे या कोई मेहनत करे तो वो भी अंग्रेजी जुबान को सीख सकता है। इट्स बिकम वेरी इंपॉर्टेंट इन मॉडर्न टाइम, सो इट इज़ नेसेसरी फॉर एवरी वन टू लर्न द इंग्लिश लैंग्वेज। और ये जो चीज़ है ये हमारे ज़माने में, जदीद ज़माने में बहुत ज़रूरी है और हमें इसे सीखना चाहिए, अंग्रेजी ज़ुबान को हमें सीखना चाहिए। जी आई होप कि ये जो मैं ऐसे आपके लिए लेकर आई हूँ एन इम्पॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, ये जो ऐसे है ये आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। और मैं आगे उम्मीद भी करती हूँ कि आप मेरे चैनल को ना सिर्फ लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, बल्कि शेयर भी करेंगे। थैंक यू सो मच।